आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन दिनों राष्ट्रीय नेताओं द्वारा गुजरात की मुलाकात लेते हुए अलग अलग शहर जिला में पत्रकार परिषद को संबोधित किया जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस के 3 राज्य के प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता वैसे अजय कुमार ने वडोदरा में आगमन करते हुए पत्रकारों को संबोधित कर आम आदमी पार्टी को भाजपा के सगे भाई की पार्टी तथा अरविंद केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट पार्टी का कहते हुए गंभीर प्रहार किए गए। आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय पक्ष इन दिनों गुजरात की मुलाकात ले रहे हैं। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 राज्य के प्रभारी तथा पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने वडोदरा में आगमन करते हुए पत्रकार परिषद को संबोधित किया था। वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए ये कॉन्फ्रेंस के तहत आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए तीखे प्रहार किए गए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी ठहराते हुए गंभीर और तीखे प्रहार किए थे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री प्लेन में आते हैं और शहर में रिक्शा में घूमकर आम आदमी होने का ढोंग करते हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखे प्रहार किए थे। साथ ही डॉक्टर अजय कुमार ने बताया था कि आम आदमी पार्टी भगत सिंह के नाम पर राजनीति कर रही है। अन्ना जी के साथ आंदोलन में गांधी जी पर विश्वास करने वाले वैसे गांधी जी का ही फोटो हटाने के साथ आपको बेशरम लोगों के साथ गुजरात में आकर अम्बेडकर तथा भगत सिंह के फोटो को रखने के साथ अपमान किया गया, वैसे भी प्रहार किए गए, जिसमें आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। लोकपाल के नाम पर सरकार तो बना दी, लेकिन प्रदेश में लोकपाल नहीं ला पा सकी। सादगी से जीवन गुजारने की बातें करने वाले वैसे अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए के घर के रिनोवेशन करवा रहे हैं, जिसमें लोगों के घर पर भोजन करने के नाम पर 11 लाख से भी अधिक का खर्च कर दिया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी तथा भाजपा को चचेरे भाई नहीं लेकिन सगे भाई होने का कहते हुए दोनों को आड़े हाथों लेने के साथ गंभीर और तीखे प्रहार किए थे। बड़ौदा के सभी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर से अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी पर, और पता नहीं आप सब लोग को जो बहुत छोटे होंगे लेकिन हमारे उम्र के अगर कोई लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं तो एक पुरानी पिक्चर थी अमर अकबर एंथनी, तो एक डायलॉग था, तो ऐसा तो आदमी लाइफ में दो इच बार दौड़ता है, ऐसा तो आदमी लाइफ में दो इच बार या अमिताभ का डायलॉग है दौड़ता है, एक तो ओलंपिक रेस में या पुलिस के केस में, और आम आदमी पार्टी तो ओलंपिक में तो हिस्सा नहीं ले रहा है, तो पुलिस का केस के चलते ये दौड़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से इस देश में झूठ और प्रचार के माध्यम से भगत सिंह के नाम लेकर के ऐसी ऐसी कारनामे इस पार्टी ने की जो सचमुच में शर्मनाक, और इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है भगत सिंह जी जैसे शहीद का नाम लेने में। सत्येंद्र जैन जेल जाते तो उसको भगत सिंह बोल देता है, मनीष सिसोदिया को कुछ भी बोल देता, भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ऐसी पार्टी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से गुजरात के जनता और खासतौर से बड़ौदा के जो है प्रेस के माध्यम से आपको कुछ जानकारी पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप ये 420 वाली पार्टी के बारे में जानकारी आपको जो है काफी मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली में होती है तो बड़ौदा के गुजरात के जनता को समझ में नहीं आता है। पहली बात हो गया, पहली बात है कि यह पार्टी अन्ना आंदोलन के समय कहा कि हम गांधी जी पर विश्वास करते हैं, आपको याद होगा अन्ना हजारे जी को ले आए थे, अब गांधी जी का ही फोटो हटा दिया, आपने देखा होगा गांधी जी का फोटो इनके कार्यालय में कहीं नहीं है। तो बेशरम लोग हैं कि गुजरात में आकर के इस देश के राष्ट्रपिता का फोटो हटाते हैं और अंबेडकर का डाल दिया, क्योंकि इस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है। और गुजरात की जनता पहले इनसे पूछे तुम्हारे विचारधारा क्या है जो गांधी का फोटो हटा सकता है, अंबेडकर का हटा सकता है, कल भगत सिंह को भी हटा देगा। तो
ये है मोटा मोटी। और आपने सेक्रेट गेम्स, कितने काफी लोग ने सेक्रेट गेम्स देखा होगा, तो अरविंद केजरीवाल के लिए गणेश गायतोंडे ने एक डायलॉग बताया था, बहुत सरल। गणेश गायतोंडे जो सेक्रेट गेम्स का जो नवाज सिद्दीकी के रोल में, उसने कहा कि अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है, अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है, वो है अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोई सवाल है किसी इसी विषय पर? और कोई विषय पर नहीं, क्योंकि उसके बाद जो भी गुजरात से संबंधित होगा मैं हमारे सभी सीनियर साथी के। देखिए हमारा लड़ाई विचारधारा की, जो भी विचारधारा हमारा विचारधारा के खिलाफ, बीजेपी के विचारधारा हो या हमारे, हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे। हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे विचारधारा में ये दोनों भाई भाई हैं। मैं आपको आंकड़े बताता हूं, गोवा में हमारे 15 सीट में इसने वोट काटे, हिमाचल में इसके अध्यक्ष बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं चुनाव से पहले, उत्तराखंड में चुनाव के बाद बीजेपी में ज्वाइन करता है। सेटिंग क्या है भाई साहब? ये तो आपसे बीजेपी अच्छी है, मैं क्यों बताऊं कौन अच्छे, दोनों खराब है।